हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल कुमार एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी ई पाठशाला में। सीजीपीएससी ई पाठशाला में आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं 1 से लेकर के 10 अप्रैल तक के छत्तीसगढ़ के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पर। कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए सारे तरफ लॉकडाउन का माहौल है, तो पूरी की पूरी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट आपके इस कोरोना वायरस से निपटने में लगी हुई है, तो जिसके कारण क्या है करंट अफेयर के आपको ज़्यादा कंटेंट नहीं मिल पाएंगे। आज भी आप देखेंगे तो बोर्ड पर काफ़ी लिमिटेड चीज़ें ही लिखी गई है, क्योंकि कोई नई स्कीम नहीं आ रही है, कोई योजनाएं नहीं आ रहे हैं, गवर्नमेंट के द्वारा कोई घोषणाएं नहीं की जा रही है। पूरी की पूरी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो रणनीतियां है वो कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने के लिए है। ठीक है, आज के ये जो वीडियो वैसे बनाने का मेरा प्लानिंग नहीं था, लेकिन जो सीरीज चल रहा था उसको देखते हुए बनाया है। जितने भी कंटेंट है उसे कवर करते चलिए। देखिए, सबसे पहले नंबर पर है आपके पढ़ाई तुहर द्वार। पढ़ाई तुहर द्वार हमारे प्रदेश सरकार के द्वारा एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है। देखिए क्या है, ये एक ऑनलाइन पोर्टल है। क्यों लाया गया है? लॉकडाउन के दौरान घर बैठे पढ़ाई करने के लिए। आप सभी को मालूम है कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए पूरे भारत भर में लॉकडाउन किया गया है। काफ़ी स्कूल जाने वाले बच्चे अब घर में खाली पीली बैठे हुए हैं, तो वो घर में ही रह करके अपनी तैयारी कर सके, इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल आपका लॉन्च किया गया प्रदेश सरकार के द्वारा, जिसका नाम दिया गया है पढ़ाई तुहर द्वार। नाम क्या दिया गया है? पढ़ाई तुहर द्वार, जिसके मदद से जो आपके स्कूली बच्चे हैं अपने घरों में रह करके ही अपनी तैयारी या पढ़ाई कर सकते हैं। इसमें क्या क्या सुविधा दिया जा रहा है? इसमें ऑनलाइन क्लासेस दी जा रही है, यानी एक टीचर एक क्लासरूम से बहुत सारे बच्चों को पढ़ा सकता है। ऑनलाइन ही होमवर्क दिया जा रहा है टीचरों के द्वारा बच्चों को, जो जो इस ऑनलाइन पोर्टल से जुड़ेंगे उनमें बच्चों को ऑनलाइन होमवर्क दिया जा रहा है। ऑनलाइन होमवर्क लिख करके उसके फोटो खींच के इस पोर्टल में सबमिट करेंगे, टीचर उसे चेक करके वापस उसको अपना रिव्यू के साथ बच्चों को वापस सेंड करेंगे। तो यानी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया गया, एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है लॉकडाउन के दौरान जो बच्चे घर में बैठे हैं उनकी पढ़ाई के लिए, जिसमें ऑनलाइन क्लासेस और होमवर्क दिए जाएंगे। इसके साथ साथ एक वेबसाइट है आपका cgschool.in। ठीक, इस cgschool.in में आपकी कक्षा पहली से लेकर 10वीं तक की अध्ययन संसाधन उपलब्ध कराई जाएंगी, यानी बुक्स क्लास 1 से लेकर के क्लास 10 तक की बुक इसमें प्रोवाइड कराया जाएगा। अभी इसका विस्तार करके इसमें 11th और 12th की भी बुक ऐड किए जाने की प्लानिंग चल रही है, लेकिन अभी एट प्रेजेंट में इस cgschool.in में क्लास 1 से लेकर के क्लास 10 तक की सारी बुक्स यहाँ पे अध्ययन सामग्री यहाँ पर उपलब्ध है, किसमें? cgschool.in वेबसाइट पर। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑनलाइन पोर्टल, नाम क्या है? पढ़ाई तुहर द्वार। ठीक, नेक्स्ट है आपका बगदेवा और ढेलवाडीह। बगदेवा और ढेलवाडीह, ये जो बगदेवा और ढेलवाडीह है ये एक कोयला क्षेत्र है। ठीक, बगदेवा और आपका ढेलवाडीह जो है ये कोयला क्षेत्र है, जो कि कोरबा SECL साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। ठीक, तो ये SECL के कोरबा क्षेत्र के अंतर्गत ये दो खाने हैं, कोयला की खदानें हैं, बगदेवा और ढेलवाडीह। देखिए ये एक भूमिगत खान है, भूमिगत कोयले का खदान है, जो कि आपके कोरबा जिले में मौजूद है। देखिए ये चर्चा में तब आया जैसे अभी लॉकडाउन के कारण कोयले का जो खनन है वो खनन कार्य भी प्रभावित हुआ है, तो इनके उत्खनन कार्य भी प्रभावित हुआ। जैसे आपके जो बगदेवा है, बगदेवा में पर डे 700 टन, प्रतिदिन 700 टन कोयले का उत्खनन किया जाता है। वैसे ही आपका ढेलवाडीह है, यहाँ पे प्रतिदिन 1400 टन कोयले का उत्खनन किया जाता है, लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण अब ये 400 टन प्रतिदिन और ये 750 टन प्रतिदिन हो गया है। तो हमारे लिए कितना उत्पादन करता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपका बगदेवा और ढेलवाडीह कोयला क्षेत्र किस जिले में है पूछा जाए तो कोरबा जिले में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हमर गांव हमर खेत योजना। हमर गांव हमर खेत योजना ये है क्या समझिएगा, इसकी शुरुआत की जा रही है आपका 12 अप्रैल 2020 से, यानी आपका 12 अप्रैल से इस हमर गांव हमर खेत योजना की शुरुआत की जा रही है। समझिएगा ये हमर गांव हमर खेत योजना क्या है, ये आपका एक स्नातक पाठ्यक्रम है, ग्रेजुएशन का एक सिलेबस है, जिसे स्टार्ट यानी ग्रेजुएशन का एक कोर्स स्टार्ट किया जा रहा है। किसके द्वारा? इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा आपका 12 अप्रैल 2020 से एक ग्रेजुएशन आपका कोर्स यानी एक स्नातक पाठ्यक्रम स्टार्ट किया जा रहा है, जिसका नाम है आपका हमर गांव हमर खेत योजना। देखिए इस हमर गांव हमर खेत योजना के अंतर्गत
स्वयं के खेत या अन्य किसानों के खेतों में कार्य करेंगे। जो इस पाठ्यक्रम में जो भी स्टूडेंट शामिल होंगे वो अपने स्वयं के खेत में या किसी अन्य किसानों के खेत के कार्यों में शामिल होंगे। समझिएगा, देखिए इसमें जो आपका 3 साल का ये कोर्स है जिसमें सेकेंड ईयर के जो विद्यार्थी है वो अपने स्वयं के खेत या किसी अन्य किसान के खेत में 1 सप्ताह में कम से कम 2 दिन उस स्वयं के खेत में किसी अन्य किसान के खेतों में कार्य करेंगे एज अ प्रैक्टिकल। और जैसे ही अपने फाइनल ईयर में आएंगे तो फाइनल ईयर में अपने स्वयं के खेत या किसी अन्य किसान के खेत में पूरा का पूरा समय वो कार्य करेंगे। यानी सप्ताह के जो 7ों दिन है या सप्ताह में 6 वर्किंग डेज अगर हम बात करें तो पूरा का पूरा दिन वो खेतों में ही कार्य करेंगे। ठीक है, देखिए अभी तो लॉकडाउन का समय है तो इसे YouTube के थ्रू एक वीडियो जारी करके जो आपके इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति के द्वारा एक वीडियो जारी करके इसका लॉन्च किया गया है। ठीक है, इस पाठ्यक्रम का लॉन्च किया गया है। तो याद रखिएगा, हमर गांव हमर खेत योजना इसकी शुरुआत कब हुई, आपका 12 अप्रैल 2020 से इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा स्टार्ट किया गया ये स्नातक कार्यक्रम है जिसमें स्वयं के खेत या अन्य किसान के खेत में द्वितीय ईयर जो आपके सेकेंड ईयर के जो छात्र है वो सप्ताह में कम से कम 2 दिन और फाइनल ईयर के जो छात्र है वो पूरा का पूरा समय खेतों में कार्य करेंगे। इसका जो मेन उद्देश्य है कृषि एवं कृषि आधारित व्यवसायों के संदर्भ में जानकारी देना, कृषि एवं कृषि व्यवसाय पर आधारित व्यवसायों के संदर्भ में जानकारी देना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, खनिज राजस्व वित्तीय वर्ष 2019-20। देखिए अभी जो आपका आर्थिक सर्वेक्षण की जो बुक गवर्नमेंट के द्वारा ऑफिशियली पब्लिश की गई है उसमें जो आंकड़े दिए गए हैं वो आंकड़े आपके वित्तीय वर्ष 2018-19 के हैं, लेकिन ये आंकड़ा कब का है, वित्तीय वर्ष 2019-20, ये करंट का डाटा है। ठीक है, देखिए इकोनॉमिक सर्वे में 18-19 का डाटा दिया गया है, ये जो करंट का टॉपिक है इसमें 19-20 का आपका आंकड़ा बताया जा रहा है। समझिएगा, जो छत्तीसगढ़ सरकार को जो खनिज से जो राजस्व की प्राप्ति हुई वित्तीय वर्ष 2019-20 में वो रही आपकी 6,165 करोड़ रुपए। खनिजों से जो छत्तीसगढ़ को राजस्व की प्राप्ति हुई वो है आपका 6,165 करोड़ रुपए। ठीक, 61-65 करोड़ रुपए। अब समझिएगा, इस वित्तीय वर्ष 2019-20 में छत्तीसगढ़ सरकार को 6,165 करोड़ के जो खनिज राजस्व की प्राप्ति हुई उसे समझिएगा, ये पिछले वर्ष से 55 करोड़ रुपए अधिक है। पिछले वित्तीय वर्ष यानी जो आपका वित्तीय वर्ष 2018-19 है, वित्तीय वर्ष 2018-19 में छत्तीसगढ़ सरकार को खनिजों से 6,110 करोड़ रुपए यानी 61-10 करोड़ रुपए राजस्व की प्राप्ति हुई थी, खनिज राजस्व की प्राप्ति हुई थी। तो इस 61-10 करोड़ और इसे देखिए ये कितना है आपका 61-65 करोड़, यानी पिछले जो आपके वित्तीय वर्ष है या पिछले खनिज राजस्व से लगभग 55 करोड़ अधिक राजस्व की प्राप्ति हुई। दूसरा चीज, निर्धारित लक्ष्य से 165 करोड़ रुपए अधिक खनिज राजस्व की प्राप्ति हुई, यानी इसका लक्ष्य निर्धारित किया गया था आपका कम से कम 6,000 करोड़, सरकार के द्वारा 6,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य या खनिज राजस्व का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, यानी निर्धारित लक्ष्य से प्रदेश सरकार को 165 करोड़ रुपए अधिक खनिज राजस्व की प्राप्ति हुई। दोनों डाटा इंपॉर्टेंट है, काफी हाईलाइट में था, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, खान डोकरा मंदिर ये मौजूद है आपके बस्तर जिला में। समझिएगा, देखिए ये कोई करंट का टॉपिक नहीं है, एक न्यूज़ है। जैसे अभी कोरोना वायरस का एक संक्रमण फैला हुआ है तो इसी से रिलेटेड आज से 100 साल पहले एक और वायरस पूरी दुनिया भर में फैला हुआ था, वर्ष 1918 में आपका स्पेनिश फ्लू जिसे बस्तर के आदिवासी स्थानीय नाम से जानते थे, मलमली रोग। बस्तर के आदिवासियों ने इस स्पेनिश फ्लू को एक नाम दिया था, मलमली रोग का नाम। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले ही कहा इसे किसी करंट के टॉपिक से जोड़ते हुए मत देखिएगा, इसके कॉन्सेप्ट जो बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट केवल आपके जानने के लिए है। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, खान डोकरा मंदिर कहाँ है, बस्तर जिला में। ठीक है, देखिए वर्ष 1918 यानी आज से 100 साल पहले कोरोना के जैसे ही एक वायरस पूरी दुनिया भर में फैला हुआ था जिसका नाम था स्पेनिश फ्लू, बस्तर के जो आदिवासी है इसे
वे आदिवासी स्थानीय नाम से जानते थे जिसका नाम था मलमली रोग, जो आपके स्पेनिश फ्लू है उसे उन्होंने एक स्थानीय नाम दे दिया था मलमली रोग के नाम से। ठीक है, तो देखिए ये जो मलमली रोग है, इस मलमली जैसे आपका जो हमारा बस्तर वाला एरिया है वो काफ़ी दुर्गम क्षेत्र है, इस दुर्गम क्षेत्र में एक डॉक्टर थे जो कि नागपुर से एक डॉक्टर खान नामक एक जो डॉक्टर है वो इस बस्तर के दुर्गम क्षेत्र में आकर के आदिवासियों का इलाज करके उन्हें ठीक कर रहे थे। ठीक है, देखिए आज से 100 साल पहले 1918 के आसपास का समय, जिस समय आपकी मेडिकल फैसिलिटी उतनी अच्छी नहीं थी, उस समय नागपुर के क्षेत्र से इस दुर्गम बस्तर वाले क्षेत्र में आकर के यहाँ के आदिवासियों का इलाज करना, उन्हें इस खतरनाक जो रोग है मलमली रोग यानी स्पेनिश फ्लू से उन्हें ठीक करना, उन्हें निजात दिलाना, ये कार्य उन्होंने किया। तो जो आपके डॉक्टर खान है तो उसे यहाँ के जो स्थानीय आदिवासी है वो उन्हें एक भगवान की तरह उन्हें पूजना चालू कर दिया। ठीक है, क्योंकि उन्होंने उनके रोग का निवारण किया इसलिए बस्तर के आदिवासियों ने उन्हें एक तरीके से एक भगवान के रूप में वो उन्हें पूजना चालू कर दिया। वर्तमान में तो अभी डॉक्टर खान आपकी इस दुनिया में नहीं है, काफ़ी पहले उनकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन बस्तर के आदिवासियों के द्वारा यहीं बस्तर में मौजूद है आपका भंगाराम मंदिर। इस भंगाराम मंदिर के प्रांगण में ही एक पत्थर स्थापित किया गया है, इस पत्थर का नाम दिया गया है आपका खान डोकरा मंदिर। ठीक है, खान डोकरा मंदिर, खान जो आपके डॉक्टर खान है उन्हीं के नाम पर रखा गया खान डोकरा मंदिर। आज के इस डेट में भी अगर बस्तर का कोई आदिवासी यदि किसी गंभीर रोग से पीड़ित होता है तो वो इस मंदिर पर जाकर के प्रसाद चढ़ाता है। प्रसाद भी क्या, डॉक्टर जो आपके खान है उन्हें अंडा पसंद था तो इस मंदिर में अंडा को प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया ये बेसिक फैक्ट के लिए है, बाकी आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है खान डोकरा मंदिर किस जिले में है, बस्तर जिले में, उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। ठीक है, बस याद रखिएगा। ठीक है, खान डोकरा मंदिर किस जिले में है, तो बस्तर जिले में है। नेक्स्ट देखिए, पुष्पा तिग्गा जिनका हाल फिलहाल में निधन हुआ, ये भी एक आदिवासी एक्टिविस्ट थी। 35 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया, कैंसर के रोग से ये पीड़ित थी। ठीक है, जिनका हाल फिलहाल में निधन हुआ, आदिवासियों के लिए ये एक तरीके से समाज सेविका थी। जो पुष्पा तिग्गा है इनका संबंध था आपका सुकमा जिले से, सुकमा जिले के छिंदगढ़ ब्लॉक से संबंधित थी, जो साइकिल से गांव-गांव में जाकर के लोगों का इलाज करती थी। क्या नाम था, पुष्पा तिग्गा, जो कि आपका आदिवासी एक्टिविस्ट थी या आदिवासी एक समाज सेविका थी, जो गांव-गांव साइकिल से जाकर के लोगों का इलाज करती थी। किस जिले से संबंधित है पूछा जाए तो आपका सुकमा जिले और छिंदगढ़ ब्लॉक से। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं, जो भी है उसे पढ़ते चलिएगा। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, किसी प्रकार का डाउट हो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।